उत्तम बागानों से चुना, उम्दा बीजों से बना। बंसल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, आपके स्वाद का ख्याल, सेहत की हिफाजत। मेरे पास तो पहुंच गया, आपके पास पहुंचा कि नहीं? बंसल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रखे ऑलवेज एक्टिव। फरीदाबाद के बांके बिहारी मंदिर में महिला मंडल द्वारा मनाया गया हरियाली तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से है। फरीदाबाद के बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज के पावन पर्व पर मंडल महिला मंडल द्वारा गीत संगीत गाया गया। आपको बता दें कि हरियाली तीज अवसर पर जो सुहागन महिलाएं हैं, सुहागन की शिव पार्वती की पूजा करती है, उनका सुहागन लंबी अवधि तक बना रहता है। साथ ही देवी पार्वती के कहने पर शिव जी ने आशा प्रदान किया कि जो भी कुमारी कन्या इस व्रत को रखेंगी और शिव पार्वती की पूजा करेंगी, उनके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, साथ ही योग्य वर की प्राप्ति होगी। सुहागन स्त्रियों को इस व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होगी और लंबे समय तक पति के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगी। इसीलिए कुंवारी और सुहागन दोनों ही इस व्रत को रखते हैं। इसीलिए हरियाली तीज त्योहार को फरीदाबाद के बांके बिहारी मंदिर में महिला मंडल द्वारा धूमधाम से मनाया गया, जिसमें महिला मंडल की मीनाक्षी गोस्वामी, सनातन धर्म सभा बांके बिहारी के प्रधान ललित गिरी गोस्वामी व अशोक अरोड़ा, साथ ही विनोद शास्त्री वाली लोग भी इस दौरान शामिल रहे। फरीदाबाद से संवाददाता दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट। Yeah.
शादी है, कुमारी कन्या भी व्रत रखती है ताकि मुझे भोलेनाथ की तरह साथ निभाने वाला अच्छा वर मिले। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आशीर्वाद साधुवाद देता हूँ कि सबकी मनोकामना पूरी हो। इस धर्म का झंडा जो बुजुर्गों ने हमें दिया, हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर में पश्चिमी सभ्यता के कुठारा डाल हो रहे हैं। फैशन का दौर भी है, लेकिन अपनी संस्कृति को फैशन के दौर में आने वाली पीढ़ी ना भूले, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। माताओं का ज्यादा फर्ज बन जाता है कि अपने बेटों को बेटियों को अच्छे संस्कार दें। ये नहीं सिर्फ शिक्षित करना है, एजुकेटेड करना है, उन्हें संस्कारवान भी बनाना है। उन्हें पता होना चाहिए रामायण क्या है, गीता क्या है, हमारी आजादी हमें किस तरह मिली, ऋषि मुनियों का देश है। तो धर्म के मार्ग पर बच्चे चलें, फैशन भी करें, लेकिन बुजुर्गों का मान सम्मान कम ना हो, नारी अपमानित ना हो, बहन बेटियां देश के लालच में ना मारी जाएं, तलाक तलाक ना हो। तो ये तभी हो सकता है जब आने वाली पीढ़ी को आप संस्कारवान बनाएंगे। तो मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रभु से यही की बात कहता हूँ, इतनी शिक्षित हो कि हम किसी तरह प्यार से और ये सनातन धर्म के सभी त्योहार मनाते रहे और देश में खुशहाली रहे, एकता और अखंडता रहे। राधे कृष्णा। अपना परिचय बताइए। हरियाली तीज पर क्या संदेश है? आज हम हरियाली तीज मना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा त्यौहार है। तो ये क्या है कि चंद्र माँ पार्वती ने चंद्र भगवान जी को पाने के लिए व्रत रखा था, तो सुहागिने आज के दिन व्रत रखती है। तो ये बहुत बड़ा पर्व है, इसमें ज़्यादातर हरे वस्त्रों का ही हम लोग प्रयोग करते हैं और बिहारी चौक को भी हमने हरे वस्त्रों का ही वस्त्र पहनवाया। मैं शशिदेव दिल्ली से, मैं इस बार के बिहारी मंदिर से पार कृपा पाई है। जो भी यहाँ आया है उसने सब कुछ, लेकिन मैं जहाँ जब भी आई जो मांगा, आज मेरी बरसाने वाली ने मुझे ग्रीन फील्ड में इतना बड़ा घर दे दिया। मैं उस हरियाली वाली का बहुत स्वागत करती हूँ, चोली मांगती हूँ कि सबके घर हरे भरे रहे। मेरे भैया भाभी बांके बिहारी में जो भी आने वाले हैं सब इसी तरह हरे भरे रहे, मेरी मेरी भगवान से प्रार्थना। मैं ये कहना चाहूँगी कि हरियाली तीज जो हरे वस्त्रों से होता है, जैसे बताया प्रधान महिला मंडल के लिए, और इस दिन शंकर माँ पार्वती जी ने बहुत तपस्या की, शंकर भगवान जी उन तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए थे, तो इसलिए श्रावण मास की अक्षय तृतीया को ये पार्वती को श्री बांके बिहारी मंदिर नंबर 5 रेलवे रोड एनआईटी फिजाबाद से तमाम देशवासियों को हरियाली तीज पर बधाई देता हूं, क्योंकि इस दिन आप देखते हैं अभी चारों तरफ हरियाली हरियाली है, सावन निकला है और सब तरफ हरियाली हरियाली है। तो इसी तरह चाहते हैं कि सबके परिवारों में, देश में हरियाली हो, परिवारों में खुशियाँ हों, हरियाली हो, जीवन में हरियाली हो और किसी के जीवन में अंधेरे ना हों। माँ पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए व्रत किया था, इसी तरह जो सुहागन है वो अपनी पति की लंबी उम्र और अपना सुहाग अटल रहे, इस दिन ये व्रत करती हैं। और इसी तरह कुमारी कन्याएं भी लोग चाहती है कि हमें भी अच्छा वर मिले भोलेनाथ की तरह, तो वो भी व्रत करती हैं। तो मैं सभी को आशीर्वाद और साधुवाद देता हूँ और क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच ये खत्म हो, जिसका राधा मैया कृष्ण कन्हैया जी ने प्रेम का संदेश दिया है, तो हम भी पूरे देश में प्रेम फैलाएं। जो चीज़ हम देंगे वो वापस मिलेगी, अगर घृणा देंगे घृणा मिलेगी, प्रेम देंगे तो ज़्यादा बढ़ के वापस प्रेम आएगा। इसलिए हम प्यार से रहें, देश में एकता और अखंडता बनी रहे। राधे कृष्ण।